हेलो दोस्तों, इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दानिश खान, आपका दोस्त। आज मैं आपको बताऊंगा सऊदी के बारे में दोस्तों, जो कि मैं रोज़ाना आपके लिए फ्री कॉल की रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं व्हाट्सएप से, और अच्छी अच्छी अलग अलग टॉपिक की वीडियो लाता रहता हूँ। पर ये जो वीडियो है एक सऊदी के लिए है, जो कि अच्छी वीडियो है, जो कि आप भाइयों को सभी को पता है, पर जिस भाई को नहीं पता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो। ये वीडियो GTP SMS, आप मोबाइल सभी के मोबाइल पे SMS आया होगा, जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने आपके सबके मोबाइल पे SMS सेंड किया होगा। ये लास्ट वाली वार्निंग है, जो कि 3 महीने का पीरियड था। आप इसमें घर गए हो या नहीं गए, जो कि भागे हुए इलीगल आदमी थे उनके लिए ये SMS आया है, और लास्ट ये वार्निंग है सऊदी की गवर्नमेंट की। और इसमें क्या वार्निंग है ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ, पर मैं आगे बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी ऐसी वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या है मसला, जो कि 3 महीने में जो हज वाले थे, हज करने आते हैं और भाग के काम कर लेते हैं, उमरा करने वाले होते हैं वो भाग के काम कर लेते थे, या किसी कफील से लड़ाई हो गई, कफील से भाग के काम करने वाले, जो कंपनी छोड़कर भाग के काम करने वाले, किसी तरीके के भी, जो क्या कोई बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले, किसी तरीके के भी जो इलीगल आदमी थे यहाँ सऊदी के अंदर, पहले काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, उनको 3 महीने का टाइम सऊदी ने दिया था। आपको पता होगा दोस्तों, सभी को पता है 3 महीने का टाइम था। इस 3 महीने के टाइम में जो गया वो अच्छा है, क्योंकि वो जाने वाला 3 महीने के अंदर जो भी चला गया तो वो दोबारा सऊदी में चाहे 2 महीने के बाद चाहे 4 महीने के बाद आराम से आ सकता है, और जो भाई नहीं गया उसको काफ़ी प्रॉब्लम पड़ेगी। ये SMS GTP ने सभी के मोबाइल पे किया है। इस SMS में क्या किया है और सभी को पता होगा, खैर सबने पढ़ा होगा, पर जिसने नहीं पढ़ा, उन भाइयों ने मेरे पास काफ़ी जो सऊदी में रहते हैं उन्होंने SMS से मुझसे पूछा कमेंट में कि भाई आप सऊदी में रहते हैं तो आपको इस बात के बारे में पता होगा, थोड़ी सी सऊदी की इंफॉर्मेशन पता होगा, जो कि थोड़ी बहुत आप रहते हो जो भागे हुए ऐसे इलीगल नफर रहते हैं पीपल, तो उनके बारे में आपको पता होगा। तो हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मुझे पता है तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जो एक आज भी SMS आया था, कल भी किसी के पास आ जाया हो, कल आया हो, तो बाकी ये लास्ट वार्निंग है सऊदी की। इसमें जो बताया गया है, जो आदमी भागा हुआ कफील को छोड़ के, किसी को भी छोड़ के, वो एक तो सऊदी के अंदर उसे काम नहीं मिल सकता बिल्कुल भी, और ना ही उसे मकान मिल सकता, ना कोई उसे धोरे रख सकता। जो कोई आदमी अगर जिसे अपने पास रखेगा तो उसको भी चार्ज लगेगा, यानी कि उसको भी फाइन देना पड़ेगा, उस पर जुर्माना रखा जाएगा। यानी कि एग्जांपल पर मैं बताता हूँ, मैं हूँ अलग कंपनी से भाग के मैं काम करने वाला हूँ, मुझे मेरा दोस्त या मेरा कोई सदीक कोई भी मुझे काम पे रखता है या रूम पे रखता है, तो मुझे तो जुर्माना देना ही पड़ेगा, साथ में जो रख रहा है उसकी हेल्प कर रहा है उसको भी जुर्माना देना पड़ेगा। ये आज के मैसेज में उन्होंने क्लियर कर दिया है। जो भी भाई, अभी मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो भी भाई इलीगल गलत काम कर रहे हैं, मतलब भागे हुए हैं, वो प्लीज़ अपना जाइए जवा साथ में और अपना अप्लाई करिए, घर के लिए चले जाइए, वरना उन्होंने क्लियर कह दिया है इन 3 महीने के बाद में जो रह गया उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जेल में डालना पड़ेगा, और हो सकता है जुर्माना ज़्यादा भी देना पड़े, ये पता नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। तो उन्होंने इसी बात का क्लियर किया है, और आपके पास SMS आया होगा, शायद आप पढ़ लो उस SMS को। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, और वैसे भी आपको पता है सऊदी में हाईफाई रेट हो रहे हैं, आप पता है आपको सिगरेट क्या रेट हो गई है। वैसे तो सिगरेट जो आदमी नहीं पीता अच्छा है, और जो पीते हैं वो रमज़ान का महीना है, छोड़ भी दीजिए। और हर चीज़ एनर्जी ड्रिंक आपको पता है कितनी महंगी हो गई है, कोड रेड, रेड कोड, कोला, स्प्राइट, फेंटा, ये सब चीज़ें आपको पता है कल से 15 से रोज़े से सब हाई फाई हो गई, यानी कि डबल हो गई है, आपको पता होगा। वैसे तो सभी को पता है, क्योंकि ये सभी अब दुकान पे इस टाइम मिल रही हैं, इसी रेट मिल रही है, डबल से हो गई है। तो इसलिए दोस्तों, ये नहीं है कि आप भागे हुए हो, आप काम कर सकते हो, आप कहीं काम नहीं कर सकते, काम करोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको, ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए बस यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर जी आपके घर जाना है तो प्लीज़ जवासाद में जाइए, और अपने जाके फिर आराम से वहाँ से 1 महीना बाद आप नई वीज़ा लेके आ सकते हो। मगर अगर जी नहीं जा पाओगे आप और नहीं गए तो जेल में जाओगे, जेल में जाने के बाद आपको कुछ जुर्माना भी देना पड़ेगा, जुर्माना देने के बाद यहाँ से फिर आप जाओगे
फिर जल्दी से सऊदी में नहीं आ पाओगे, ये भी है। तो दोस्तों, और जो भाई किसी को रख रहे हैं अपने रूम पे या काम भी दे रहे हैं, तो वो भी ऐसा ना करें, उनको भी जुर्माना देना पड़ेगा। ये रोल सऊदी ने अब निकाला है, और अभी इस 3 महीने होने ही वाले हैं पूरे, इस 3 महीने के बाद ऐसा होगा। तो दोस्तों, जिस भाई ने मुझे कमेंट किया था, उनको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर जी मेरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और फिर भी कोई सवाल है और पूछ सकते हो कमेंट में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।